देखिए, ये क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत होते हैं AIPGT में या AMO में, तो आप बिल्कुल गर्भिणी की मास अनुमासिक परिचर्या ये इस यहाँ से करें, ज़रूर करें, 10 बार पढ़ें इसको। तो पहला है कि सुषुप्त के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि सुषुप्त में गर्भिणी में प्रथमे द्वितीय तृतीय मधुरशी द्रवम प्राइम आहार रूप सेवित बोला है। यहाँ पर भी लिखा हुआ कि प्रथमे द्वितीय तृतीय 103 मास में मधुर शीत द्रव आहार का सेवन करें। मधुर शीत और द्रव होता क्या है, ये मधुर भी हो शीत भी हो द्रव भी हो। घी मधुर भी होता है, शीत भी होता है, द्रव भी होता है, ठीक है, इसको आप सेवन करें। या फिर दूध मधुर भी होता है, शीत भी होता है, द्रव भी होता है, ऐसे आहारों का सेवन करें। प्रथमे द्वितीय तृतीय चौथे मास में क्या है, पयोनवनीत समसृष्टम आहार या जंगल मास रस युक्त आहार का सेवन करें। पयोनवनीत कहाँ से आया, पय जैसे कि चार, पयोनवनीत समसृष्टम आहार में या जंगल मास रस युक्त आहार का सेवन करें, ठीक है। पंचमे में दूध में घृत मिलाकर, पंचमे में दूध में घृत मिलाकर, ठीक है। और छः शब्दष्टरा याद करें, छः शब्दष्टरा सिद्ध या वागु का प्रयोग करें। सातवें में पृथक पर्णी, पृथक पर्णी से सिद्ध किया हुआ घृत, सेवंथ मंथ में पृथक पर्णी से सिद्ध हुआ घृत का प्रयोग करें। आठवें मास में सुश्रुत ने वस्ती का प्रयोग बताया, पहले वतरोधक कवा से स्थापन दें, फिर दें मधुरगन से सिद्ध किए हुए दूध से अनुवासन वस्त, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले से 3 मास तक मधुरशी द्रव आहार का सेवन करना है, और चौथे मास में पय और नवनीत का सेवन करना है, जांगल मास रस का भी चौथे में प्रयोग करना है, उसके बाद पाँचवें में दूध और घृत का प्रयोग करना है, छठवें में क्या करना है, शब्दष्टरा से दिवागु का प्रयोग करना है, ये यहाँ पर देखते रहे आप, ठीक है। और फिर पृथक पर्णी से घृत का प्रयोग करना है, और उसके बाद जो 8वां मास है उसमें बद्रोदक कवात से स्थापन या फिर मधुर उदक गण की अनुवासन का प्रयोग करना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए चर्क ने क्या कहा, तो चर्क ने प्रथम मास में क्या कहा, शीतल दूध का प्रयोग करना है, ठीक है। द्वितीय मंथ में मधुरगन से सिद्ध शीर का प्रयोग करना है, ठीक है। प्रथम में शीतल दुग्ध का प्रयोग करना है, द्वितीय में मधुरगन से सिद्ध शीर का प्रयोग करना है, पहले में सिंपल दूध पिलाओ, ठीक है। दूसरे मंथ में थोड़ा सा मधुर गन डाल दें, जैसे कि ककोली शीर ककोली वगैरह डाल दें। तीसरे में तीन चीज़ें, तीसरे 3 for 3 तीसरे मंथ में दूध मधुघृत, बस ये याद कर लें, दूध मधुघृत। चतुर्थ में यहाँ भी पय और शीर है, नवनीत डाल दिया, ठीक है, दूध एक अक्ष मात्र, ठीक है, शीर नवनीत अक्ष मात्र बोला है चरक ने। तो पंचम मास में क्या है, दूध में घृत मिला कर दें, ठीक है, दूध में घृत पंचम मास में, ठीक है। षष्ठे मास में मधुरगन से सिद्ध दूध में घृत मिला कर दें। छठवें मास में मधुरगन से जो सिद्ध दूध है उसमें घृत मिला कर दें। 6 मंथ, तो इसको ऐसे याद कर लें कि 6 मधुरगन की औषधियों से सिद्ध दूध और घी 6वें मंथ में दें। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि 6 मधुरगन से सिद्ध की हुई औषधियों को दूध में या घृत में मिलाकर 6वें मंथ में दें। सप्तमें में क्या, मधुरगन से औषधियों दूध घी आपने 6वें मंथ में दिया है, वही 7वें में, ठीक है। तो बिल्कुल ये याद रखना बहुत ईजी है कि चर्क ने 6वें और 7वें में एक से दवाई बताई है। और 8वें में यवाकू दूध और घृत का प्रयोग, 8वें में चर्क ने यवाकू का देना बोला है। तो ये क्वेश्चन आता है कि 8वें मास में जो चर्क ने क्या बोला, तो वो बोला है कि यवाकू का प्रयोग। और 8वें मंथ में जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है पत्रोदक कवाद से स्थापन वस्ती या फिर मधुरकन से अनुवासन वस्ती, ठीक है। 9वें मंथ में चर्क ने अनुवासन बोला है या और सुश्रुत ने बोला है 8वें मंथ, ठीक है, ये बिल्कुल आपको रट लेना है। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, थैंक यू।